नमस्कार, मैं अनामिका लखनऊ से। आज हम एक ऐसे व्यक्ति की बात करने जा रहे हैं जिसने बुलडोजर तक को एक नई पहचान दी। हम बात करने जा रहे हैं देश के चौथे सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश के 23वें व वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की। आपका असली नाम अजय सिंह बिष्ट है, परंतु बचपन से ही घर गृहस्थी का त्याग कर गोरखनाथ मठ के महंत अद्वैतनाथ जी की शरण में आ गए थे। अपने आध्यात्मिक पिता महंत जी की मृत्यु के बाद से ही मठ के मुख्य पुजारी बन गए। 1998 से लगातार 5 बार गोरखपुर निर्वाचन क्षेत्र से सांसद भी रहे। योगी जी बीजेपी की 2017 की जीत के बाद मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त हुए, जिसमें वे प्रमुख प्रचारक भी थे। अपनी मजबूत छवि, हिंदुत्व समर्थक व कार्यशैली के कारण बीजेपी का मुख्य चेहरा बनकर देश के सामने आए। अपने प्रथम कार्यकाल में योगी जी ने प्रदेश को विकास की दिशा में अग्रसर किया, जिसके लिए उन्होंने अनेक योजनाएं शुरू की, किसानों के ऋण माफ किए, कानून व्यवस्था को मजबूती प्रदान की। परंतु 2018 में सबसे बड़ा कदम कई बूचड़ खानों को बंद करने का आदेश देना था, जिससे योगी जी काफी चर्चा में आ गए थे। प्रत्यक्ष परिणाम के रूप में कच्चे चमड़े की खरीद करने वाली चर्मकारियां प्रभावित हुई, कई टेनरियों को भी बंद करने का आदेश दिया गया। चर्म शोधक उद्योग 2019 में 5 लाख करोड़ रुपए होने का अनुमान लगाया गया था। उद्योग ने प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से 10 लाख से अधिक लोगों को रोजगार दिया था। 2018 के बाद से कार्यकारी आदेशों के माध्यम से मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी ने कानपुर के जाजमऊ में कुल 400 से अधिक सक्रिय में से लगभग 200 टेनरियों को बंद किया था। हिंदू राष्ट्रवादी के रूप में प्रचलित योगी जी ने 2020 में प्यार के नाम पर धर्मांतरण को रोकने के लिए एक रणनीति तैयार करने के लिए कहा, और यहां तक कि जरूरत पड़ने पर उसी के लिए एक अध्यादेश पर भी विचार करने की बात की। योगी आदित्यनाथ जी ने घोषणा की कि उनकी सरकार द्वारा लव जिहाद पर अंकुश लगाने के लिए निषेध पारित किया जाएगा, बाद में जिसे मंत्रिमंडल की मंजूरी मिली और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल द्वारा अनुमोदित व हस्ताक्षरित किया गया। योगी जी बसपा की मायावती और समाजवादी के अखिलेश यादव के बाद उत्तर प्रदेश के राजनीतिक इतिहास में राज्य में मुख्यमंत्री के रूप में 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा करने वाले तीसरे मुख्यमंत्री थे। अपने प्रथम कार्यकाल में योगी जी ने एक मजबूत छवि वाले लोकप्रिय नेता के रूप में उभरकर सामने आए और मार्च 2022 को विधानसभा परिणामों की घोषणा के साथ भाजपा की नेतृत्व वाली एनडीए संगठन ने 273 सीटें हासिल की, जिसमें योगी जी को अपना दूसरा कार्यकाल प्राप्त हुआ। योगी जी और उनकी पार्टी ने पूरे 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा करने के बाद सत्ता में वापसी करने वाले पहले मुख्यमंत्री होने के नाते इतिहास रचा। बीजेपी 37 साल बाद लगातार सत्ता में लौटने वाली पहली पार्टी भी बनी।
अपने दूसरे कार्यकाल में मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण करते ही योगी जी की सरकार में कानून व्यवस्था के प्रति मजबूत कदम उठाते हुए अपराध व अपराधियों के प्रति सख्त रवैया अपनाया है। यह सरकार अपराध व अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस दिखाते हुए आगे बढ़ रही है। योगी जी ने पेशेवर माफिया और दुर्दांत अपराधियों की अवैध संपत्तियों पर बुलडोजर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। इसी के परिप्रेक्ष्य में मुख्यमंत्री योगी जी ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिया है कि अवैध संपत्तियों का बुलडोजर चलाकर ध्वस्तीकरण करने की कार्रवाई सिर्फ पेशेवर माफिया व अपराधी पर ही हो, किसी गरीब की झोपड़ी पर बुलडोजर नहीं चलेगा। उन्होंने यह भी कहा कि गरीब की संपत्ति पर कब्जा करने वाले पर त्वरित कार्रवाई की जाएगी। बुलडोजर के इस खौफ व सख्त कार्रवाई के डर से विभिन्न थानों में अपराधी लगातार समर्पण कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने के बाद ताबड़तोड़ बुलडोजर चल रहा है। नोएडा, लखनऊ, प्रयागराज से लेकर बरेली तक अवैध संपत्ति पर बनी बिल्डिंगों को ध्वस्त किया जा रहा है। अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस और गरीबों के प्रति संवेदनशीलता को लेकर योगी सरकार आगे बढ़ रही है। योगी जी ने चुनाव के दौरान कहा था कि उत्तर प्रदेश में मई जून में शिमला बना देंगे। अब योगी जी वही करके भी दिखा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में बुलडोजर अपराधियों के घर चढ़कर उनके शरीर की गर्मी निकाल रहा है। आलम यह है कि बुलडोजर की आवाज सुनते ही अपराधियों के प्राण सूखे जा रहे हैं, शरीर ठंडा पड़ता जा रहा है। यूपी में प्रचंड गर्मी है, लेकिन अपराधी गर्मी से नहीं डर से थर थर कांप रहे हैं। योगी जी ने अपने दूसरे कार्यकाल में बुलडोजर कार्रवाई की पारी बढ़ा दी है। बाबा के बुलडोजर से अपराधियों से लेकर विपक्षियों में भी बेचैनी बढ़ी हुई है। विपक्षी पार्टियां ये देखकर तिलमिला रही हैं। समाजवादी पार्टी के नेताओं को बुलडोजर की स्पीड ठीक नहीं लग रही है। हालांकि बीजेपी ने यह साफ कर दिया है कि बुलडोजर यूं ही माफियाओं की छाती पर फुल स्पीड से दौड़ता रहेगा, कोई रोक नहीं पाएगा। लेकिन यह भी ध्यान दिया जाएगा कि गेहूं के साथ कहीं घुन ना पिस जाए, इसलिए निर्देश दिया गया है कि माफियाओं और अपराधियों के अवैध संपत्तियों को छोड़ना नहीं है, लेकिन किसी गरीब की झोपड़ी को बिना पक्की छत दिए तोड़ना नहीं है। विधानसभा चुनावों के निर्माण में योगी जी ने अपनी मुख्य छवि के रूप में बुलडोजर के साथ एक अभियान का सफलतापूर्वक उपयोग किया था, जिसमें उन्हें बुलडोजर बाबा का टैग मिला। हालांकि इस शब्द को शुरू में एक विपक्षी दल द्वारा ताने के रूप में इस्तेमाल किया गया था, जो अब बाबा की पहचान बन गया है। हिमंत बिस्व शर्मा को असम का मुख्यमंत्री बने अभी कुछ ही महीने बीते हैं, लेकिन इस दौरान राज्य में 34 से अधिक एनकाउंटर हुए, जिसमें 15 अपराधी मारे गए हैं। वहीं पुलिस से कथित तौर पर सर्विस हथियार छीनने और हिरासत से भागने की कोशिश में करीब
24 अपराधी घायल भी हुए हैं। मारे गए अपराधियों में चरमपंथी संगठन के सदस्य भी शामिल हैं। पुलिस के अनुसार इन तमाम लोगों को चरमपंथ बलात्कार, हत्या, नशीली दवाओं की तस्करी, पशु तस्करी और डकैती जैसे अपराधों के लिए पकड़ा गया था। मई में मुख्यमंत्री के रूप में पदभार संभालने वाले शर्मा ने अपराध के खिलाफ जीरो टॉलरेंस का संकल्प लिया है और भागने की कोशिश करने वालों पर संदिग्धों के पैरों पर पुलिस फायरिंग का समर्थन किया है। आलोचकों ने उनके और उनके उत्तर प्रदेश के समकक्ष योगी आदित्यनाथ के बीच तुलना की है। कांग्रेस नेता और लोकसभा सांसद गौरव गोगोई ने कहा कि जब से हेमंत बिस्वा शर्मा सीएम बने हैं, वह केवल राज्य के वास्तविक मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करने की बजाय योगी आदित्यनाथ की नकल करने की कोशिश कर रहे हैं। बाबा जी की कार्यप्रणाली देश विदेश तक प्रचलित हो रही है और सभी को प्रभावित भी कर रही है। जहां एक ओर माफियाओं अपराधियों के मन में खौफ पैदा कर कानून व्यवस्था को मजबूती दे रही है, वहीं दूसरी ओर राजनेताओं को अपराधियों के प्रति सख्त कदम उठाने के लिए प्रेरित भी कर रही है। आशा है योगी जी के इतने मजबूत कदम और दृढ़ संकल्प से देश में अपराध कम हो और प्रदेश अपराध मुक्त हो सके और विकास की ओर अग्रसर हो सके। धन्यवाद।